हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपके पास न्यूबॉर्न बेबी है तो उसके लिए आप इस तरह के शूज़ बना सकते हैं। ये हमने शूज़ तैयार किए हैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए विद डोरी। और आपको पता है ये शूज़ हमने किस तरह तैयार किए हैं, किस फैब्रिक से तैयार किए हैं। जैसे ये हमारा पिलो कवर है, ये पिलो कवर हमारा फर वाला है और बहुत सॉफ्ट है। तो ऐसा ही हमारे पास रेड कलर का पिलो कवर था, तो हमने उस कवर से ये शूज तैयार किए हैं। शूज बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप टाइट करने के लिए डोरी का भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने जो ये फैब्रिक लगाया है इससे भी आप इसको, अगर आपके पास भी इस तरह का पिलो है जो फर वाला हो और बहुत सॉफ्ट हो, प्यारा हो, तो आप भी इस तरह के शूज बना सकते हैं। नहीं तो आप मार्केट से लाकर इस तरह के शूज तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। बहुत ही इजी मेथड से ये मैंने आपको शूज बनाने सिखाए हैं, और जो हमने इसके ब्लॉक तैयार किए हैं उसको आप संभाल कर रख सकते हैं। अगर आप कभी भी चाहें तो ऐसे शूज बना सकते हैं उन ब्लॉक्स की सहायता से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नई अपडेट पाने के लिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लॉक तैयार करेंगे। इसमें हमारे तीन तरह के ब्लॉक तैयार होंगे, तो उसके लिए हमने ये पेपर लिया है। सबसे पहले हम एक साइड यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर ये 5 इंच पर, अब 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे, यहाँ पर 1 इंच और 1 इंच नीचे। यहाँ हमने चारों साइड 1-1 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम इसके सेंटर में निशान लगाएंगे, यानी कि 3 का हाफ, 1.5 इंच, ये भी 3 का हाफ, 1.5 इंच। अब हम इसको इस तरह गोलाई में मिला देंगे। इस तरह हमने ये यहाँ पर गोलाई कर ली है। अब हम दूसरा ब्लॉक तैयार करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर लगाएंगे 5.5 इंच पर। इस तरह हमने ये एक ब्लॉक और तैयार किया है। यहाँ से हमने 5.5 इंच रखा है और यहाँ से 4 इंच रखा है। अब हम इसके अंदर भी निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर 1.5 इंच पर, यहाँ पर 1.5 इंच, यहाँ पर 3 इंच, और जो ये कोना बचा है यहाँ पर हम इस तरह 2 इंच पर निशान लगाएंगे, तिरछा निशान। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे रखेंगे पेपर को, और ये जो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है यहाँ से इसको इस तरह गोलाई में मिला देंगे।
इस तरह हमने ये तीन चीज कवर की है यहाँ से, फिर ये 2 इंच पर जो निशान लगाया है और फिर ये 1.5 इंच पर निशान लगाया है। अब जो हमारा ये 3 इंच पर निशान है और 1.5 इंच पर निशान है, इसको मिला देंगे। इस तरह हमारा ये दूसरा ब्लॉक तैयार हो गया है। अब हम एक और ब्लॉक तैयार करेंगे, यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे और यहाँ से हम रखेंगे 5 इंच। ये हम इस तरह सिंपल ही रखेंगे। अब हम पहले इनकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमने अपने ये तीनों ब्लॉक तैयार कर लिए हैं। अब हम अपना फैब्रिक लेंगे। हमने ये फैब्रिक लिया है, ये हमारा फर वाला फैब्रिक है जिसके हम पिलो कवर वगैरह बनाते हैं, तो ये थोड़ा गर्म है और ये ब्लैक कलर का लिया है पट्टी के लिए। और एक ये हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक था, गर्म फैब्रिक है, ये देखिए वोम वाला फैब्रिक है गर्म, तो इसको हम बीच में लगाएंगे जिससे जो हम शूज बनाएंगे बेबी के वो गर्म रहे। ये वाला फैब्रिक लेंगे और ब्लॉक्स इसके ऊपर रखेंगे इस तरह, इसको डबल कर लेंगे क्योंकि हमें इसमें 2 पीस चाहिए। इस तरह हमने ये 2 पीस कट किए हैं, 2 पीस हम इसके कट कर लेंगे यही वाले। इससे थोड़े गर्म रहेंगे शूज क्योंकि गर्म फैब्रिक है। आप यहाँ पर फोम भी लगा सकते हैं। ये हमारा नीचे का पोर्शन तैयार हुआ है। अब हम ये वाली कटिंग करेंगे, उसके लिए फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड करना होगा। अब हम अपनी ड्राफ्टिंग सेट करेंगे। जो ये चौड़ाई वाला पोर्शन है ये हम बंद साइड रखेंगे, ये हमारी बंद साइड है और ये हमारी ओपन साइड है क्योंकि ये ऊपर से बंद होना चाहिए, तो इसको इस तरह रखेंगे। ये हमारा एक पीस है, दूसरा पीस भी हम इसी तरह कट करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे और निशान लगा लेंगे। इस तरह हमारे ये दोनों पीस कटिंग हो गए हैं। अगर आप इसमें भी नीचे फैब्रिक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, इसको भी साइड में रख देंगे। अब हम अपना ये ब्लैक फैब्रिक लेंगे और जो ये हमने सिंपल निशान लगाया है इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा थोड़ा स्ट्रेचेबल फैब्रिक है।
इसके हमने इस तरह दो पीस कर लिए हैं। तो हमारी कटिंग हुई है कंप्लीट, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो पहले ये जो दो पीस है हमारे, यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारे ये दोनों पीस सेट हो जाएं। इस तरह हमने यहाँ पर ये जो नीचे वाला फैब्रिक है ज्वाइंट कर दिया है, इसमें दो ही सिलाई लगाई है केवल, एक ऐसे और एक ऐसे। अब हम अपना ये वाला फैब्रिक लेंगे और इसको ज्वाइंट करने से पहले हमने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है दोनों साइड। ये सिंपल सिलाई लगाई है क्योंकि ये वाला जो फैब्रिक है हमारा बहुत ही ज़्यादा खुल रहा है, तो इसलिए अब जो हमने ये सिलाई लगाई है यहाँ पर ये इतना सेट रहेगा। तो अब हम इसको इस तरह सेंटर बनाएंगे इसका। अगर आपका भी फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो तो आप भी पहले यहाँ पर ये दो सिलाई लगा लें, तब उसको ज्वाइंट करें। ये हमारा यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा आ रहा है। अब तो पहले हम यहाँ पर ये सिलाई लगा लेंगे, ये सिलाई लगाएंगे पहले हम। अब इस तरह हमने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है जो भी हमारा एक्स्ट्रा था। अब ये वाला फैब्रिक लेंगे और ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर से सेंटर इस तरह मिलाएंगे। और यहाँ पर पहले कच्चा कर लेंगे। अब जहां पर हमने ये कच्चा किया है यहां पर सिलाई लगा देंगे इस तरह पूरी गोलाई में। इस तरह हमने ये पूरी गोलाई में सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी ये ब्लैक पट्टी लेंगे और इसको इस तरह पहले डबल करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाकर इसको लॉक कर लेंगे। हमने इसको गोल कर लिया है, अब हम इसको इस तरह डबल करेंगे। अब हम ये लेंगे अपना और इसको इस तरह रखेंगे उल्टा, उसको उसके अंदर रखेंगे और इसको खींचकर गोलाई में सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा ली है, अब हम इसको इस तरह ऊपर की साइड करेंगे और इस तरह हमारा ये एक सूज तैयार हो गया है। और सूज देके बनकर कितना सुंदर लग रहा है। यदि आपको इसमें इलास्टिक डालनी है या डोरी डालनी है तो वो तरीका हम बता देते हैं किस तरह डलेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है छोटे बेबी के पैर से ये निकल जाता है। तो जैसे ये हमारा डबल फैब्रिक है तो ये फ्रंट में हम लेंगे इस तरह और ये हमारा सेंटर है। सेंटर से एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, इस तरह ये दो निशान लगा लिए हमने। तो यहाँ पर हम हल्का हल्का सा कट लगा देंगे, एक केवल एक फैब्रिक में लगाना है। और अब हम इसमें आसानी से अपनी डोरी या इलास्टिक डाल सकते हैं क्योंकि ये दो होल हो गए हैं। एक साइड से हम ये इलास्टिक डालेंगे या डोरी डालेंगे और दूसरी साइड से इसको निकाल लेंगे, फिर इसको हम यहाँ पर बांध सकते हैं, वो भी हम इसको में दिखाएंगे। पहले हम दूसरा वाला सूज तैयार कर लें। इस तरह हमने एक डोरी तैयार की है, इसको हम इस तरह इसमें डाल देंगे। ये जो एक होल इस साइड है, तो इससे आप जब सूज पहनाएंगे तो इस तरह इसको टाइट कर सकते हैं।
और हमने ये दोनों सूज तैयार कर लिए हैं और ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। जब इसको बेबी पहनेगा तो और भी प्यारा लगेगा।